हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज है दूसरा दिन मेरा गोवा में और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। अभी बज रहा है सुबह का 6, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा क्राउड था बीच पे, इसलिए आज मुझे सुबह उठना पड़ा। सुबह मैं जाने वाली हूँ बीच, देख वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाने वाली हूँ, क्योंकि कल मैंने उतना फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। आज अभी सुबह में थोड़ा कम भीड़ होगा, इसलिए मुझे सुबह उठना पड़ा और मैं सुबह जा रही हूँ बीच फिर से। तो चलिए मिलते हैं। और कल मैं आपको रात में ना अच्छे से उतना नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था ऑफ, इसलिए मैं आपके साथ कुछ अच्छे से कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। अब मेरे वीडियो पे बने रहो, वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए, तो गाइस हम निकल गए हैं यहाँ पे और अभी रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। कल तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ था, बट अभी उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, अभी थोड़ा शांत है। और अभी बहुत कम शॉप सब भी ओपन हुआ है, शॉप भी पूरा अच्छे से ओपन भी नहीं हुआ क्योंकि अभी बहुत सुबह है, मतलब आई थिंक 6:30 या फिर 7 हो रहा है, तो इसीलिए ये परफेक्ट टाइम लगा मुझे। अभी मैंने मेन रोड से टर्न ले लिया, ये शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट से यहाँ से बहुत नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। आई थिंक 5 से 10 मिनट और लगेगा पहुँचने में। और यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत साफ सुथरा रोड है। अगर आपको आता है बाइक या फिर आपको स्कूटी चलाना आता है तो आप यहाँ पे इजीली आपको स्कूटी मिल जाएगा। 350 रुपीज़ में मैंने पूछा हुआ था, 350 में पर डे का मिलता है यहाँ पे। पेट्रोल आपको खुद से डलवाना पड़ेगा, बट आई थिंक 350 इज़ अ वेरी चीप रेट अगर तुम आपको लेना है रेंट पे स्कूटी तो। और यहाँ पर ना सब कुछ बहुत ज़्यादा दूर दूर है, मतलब बीच नज़दीक है पर बीच ही तो सिर्फ आप नहीं घूमोगे ना, यहाँ बहुत सारा फोर्ट है फिर, और बहुत दूर दूर भी बहुत अच्छा अच्छा बीच है, वो सब भी आप घूमोगे तो आपको उसके लिए आपको स्कूटी तो रेंट पे लेना पड़ेगा। और 350 बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल रेट है, आपको अगर स्कूटी लेना है तो आप ले सकते हो, बट मेरे लिए बैड लक है कि मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता है इसलिए मैंने नहीं लिया और मुझे हर जगह पैदल ही ट्रैवल करना पड़ रहा है। वैसे मैंने एक स्कूटी वाले भैया से बात भी किया हुआ है, वो मुझे हर जगह लेके जाएंगे, मतलब जहाँ जहाँ पॉट है या फिर जहाँ अच्छा बीच है वहाँ तो वो मेरे को लेके जाएंगे, बट उसका वो चार्ज करेंगे, ये उन्होंने बोला हुआ है। बट चार्ज अभी उन्होंने नहीं बताया है कि कितना लेंगे। कल मैंने आई थिंक 5 किलोमीटर के अराउंड उनके साथ ट्रैवल किया था, तो उस टाइम उन्होंने 100 रुपीज़ लिया था 5 किलोमीटर का, तो उसके हिसाब से वो चार्ज करेंगे। अब क्या करें, आता ही नहीं है चलाने के लिए, तो इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा जो मेरे बजट से इधर उधर हो रहा है। बट कोई नहीं, फर्स्ट टाइम है ये मेरा सोलो ट्रिप, तो बजट फर्स्ट टाइम में आप कितना भी बजट कर लो ना, वो बजट से इधर उधर ही हो जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से होटल मेरे को नहीं मिला मेरे प्राइस के हिसाब से। मेरे प्राइस के हिसाब से बस आने का बस तो मिल गया, जाने का बस मुझे नहीं मिला क्योंकि जाने का मैंने कल ही टिकट बुक किया है जाने का, उसके बाद टिकट मिलता नहीं। जाने का टिकट कल रात में बुक किया और वो मुझे बहुत महंगा पड़ा है। अब यहाँ से आई थिंक 1 मिनट का ही रास्ता है। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ, बहुत अच्छा सीन लग रहा है। जब जैसे आप ऐसे, मतलब जैसे मैं यहाँ पे पहुँचती हूँ यहाँ से बीच नज़र आता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और यहाँ थोड़ा ज़्यादा धूप हो चुका है, सुबह में मुझे ऐसा लगा था कि धूप नहीं होगा तो, बट थोड़ा धूप हो गया है, पर कोई नहीं, थोड़ा धूप रहता है तो फोटोज़ भी अच्छा आता है। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ बीच पर, मैं आपको ऐसे देख
बहुत ज़्यादा अच्छा जगह है। और आप देखो स्काई भी कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बैक से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग भी रहा था कि अरे यार क्या ही मज़ा आएगा, बट सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मैं पक्का अपना नेक्स्ट ट्रिप भी करने वाली हूँ सोलो, वो भी मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे सोलो ट्रिप करना है। बहुत मज़ा आ रहा है, देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सॉरी गाइज, आज जो मैंने पहना हुआ है ना आउटफिट, वो आपके साथ मैंने फ़ोटोज़ नहीं शेयर किया, मतलब मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि निकलते वक्त मुझे याद ही नहीं रहा उस चीज़ का, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी निकलना था ना और मुझे ये व्यू नहीं छोड़ना था, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी निकलना पड़ा। तो कोई नहीं, मैं आपके साथ फ़ोटो शेयर कर दूँगी जो मैंने आउटफिट पहना है उसका। मैं स्पीति ये लहर आ रहा है ना कि आगे धुआं धुआं टाइप भी लग रहा है, ऐसे अनबैलेंस हो जाएगा तो आप गिर जाओगे। मुझे गिरना नहीं क्योंकि मेरे बैग में है कैमरा, आप देख सकते हो कैमरा भी मैं लेके आई हूँ, कैरी कर कर लेके आई हूँ, तो मुझे वो नहीं खोना है। मैंने शूज़ अपने बैग में ही रख लिया खोल के, क्योंकि भाई खाली पैर चलने में ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। ठंडा ठंडा पानी मिल चुका है, ठंडा ठंडा पानी का पैर में रखना ना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने बैग में और आप वहाँ देख सकते हो वहाँ पे थोड़ा धुआं धुआं टाइप भी लग रहा है। कल पता है क्या हुआ मेरे पैर में, देखो मेरा नेल ना आधा टूट गया, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जब मैं बस से उतर रही थी ना तभी मेरा नेल आधा टूट चुका है, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और रात में आप देख सकते हो पानी यहाँ तक था, इसलिए पूरा गंदा यहाँ तक। और चलिए गाइस, अब मैं करती हूँ थोड़ा इंजॉय और आपसे मिलती हूँ जाते वक्त, जब मैं यहाँ से निकलूँगी तब। अब तो गाइस फाइनली मैं बागा बीच पहुंच गई। आप देख सकते हो वहाँ पे बागा बीच लिखा हो, यहाँ पे बहुत सारे नाव है जो आपका भी राइड ले सकते हो, और पर पर्सन आई थिंक 300 रुपीज़ है। आपको बैक कैमरा से दिखाऊंगी तब आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ देख सकते हो बहुत सारा बोट है, आप इसका भी राइड ले सकते हो 300 पर पर्सन। एंड बहुत ज़्यादा धूप है, धूप की वजह से मेरा फेस भी थोड़ा आपको डल डल लग रहा होगा, टैन हो गया फेस पे, पर कोई नहीं, मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। खाना खाने के बाद मैं कहीं और के लिए निकलूंगी, मतलब किसी और लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए निकलूंगी, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ जाता है। मेन रीज़न ये है कि बस मतलब यहाँ थोड़ा दूर दूर है, सारा लोकेशन जो भी फोर्ट है सारा दूर दूर है, तो उसके लिए स्कूटी ही करना पड़ेगा या तो फिर आप टैक्सी ले लो, पैदल तो जा ही सकते हैं। यहाँ तो बीच तो बहुत नज़दीक था होटल से, तो पैदल आ जाते थे, बट या ये दोनों बीच मैंने कैलंगुट और बागा बीच अभी तक मैं कवर किया है। तो ब्लॉग मैं एंड कर रही हूँ और मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बाकी का जो भी है मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। Video.